जय हिंद। हम लोग जो है सो अभी खेल सीरीज के अंतर्गत ओलंपिक का देख लिए, पारा ओलंपिक का देख लिए, अब जो है सो एशियन गेम्स का जो है सो देखेंगे। इसका क्या हिस्ट्री है, कब से शुरू हुआ, हाँ अभी तक कितने गेम्स हो चुका है, इसका जो है सो अगला जो है सो कहाँ होने वाला है, उसके बाद भारत का जो है सो ये एशियन गेम्स में जो है सो क्या स्थिति, किस किस वर्ष में क्या क्या स्थिति, क्या कैमा रैंक पर रहा है, कितना जो है सो मेडल जीता है, इस सब से संबंधित जो है सो हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम 1951 से जो है सो भारत से ही एशियन गेम्स का शुरुआत हुआ, जो नई दिल्ली में जो है सो 1951 में शुरू हुआ। तो 1951 में प्रथम एशियन गेम्स का जो है सो नई दिल्ली में शुरुआत हुआ। इसका जो है सो उद्घाटन जो है सो महाराज पटियाला यादविंद सिंह जो है सो जी ने किए, और ये जो है यादविंद सिंह जी जो है सो एशियन गेम्स फेडरेशन का जो है सो प्रथम फर्स्ट अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। उसके बाद जो है सो ऑफिशियली जो उद्घाटन हुआ, ऑफिशियली जो ओपन किया सो उस समय का हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सो उसका जो है सो उद्घाटन किए। और 1951 से 1978 तक एशियन गेम्स फेडरेशन ही जो है सो इसका ऑर्गेनाइजेशन किया। 1978 के बाद जो है सो इसका नाम चेंज करके जो है सो OCA मतलब कर दिया गया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये जो है सो अब जो ऑर्गेनाइज 1978 के बाद से जो है सो OCA इसका ऑर्गेनाइजेशन करता है, यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया नाम यानी चेंज हो गया। एक और इसमें जो है सो एशियन गेम्स ये फेडरेशन जो था तो उसका सदस्य इजराइल था, इजराइल उस समय भाग लेता था, मगर ये जो है सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है उसमें उसको नहीं शामिल किया गया है, यानी इजराइल अभी जो है सो एशियन गेम्स से बाहर है। उसके बाद जो है सो ये इंडिया होस्टेड, इंडिया जो है सो दो बार होस्ट बना है, ठीक है, एक 1951 फर्स्ट और उसके बाद जो है सो 1982 नौवां जो है सो एशियन गेम जो हुआ उसका जो है सो इंडिया होस्ट रह चुका है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है सो कुवैत सिटी यानी कुवैत में है, कुवैत में जो है सो इसका हेडक्वार्टर है एशियन यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ है। सो तो 1951 का जो फर्स्ट एशियन गेम्स जो हुआ तो उसका मोटो था इवर ऑनवर्ड्स यानी सदैव प्रगतिशील, ये हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो है सो ये मतलब कहा गया हुआ था, ये दिया हुआ था, ठीक है। एशियन ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में जो है सो 45 मेंबर है, ठीक है, यानी 45 देश जो है सो इसमें भाग लेता है, ठीक है। उस समय जो ये गेम जो हुआ फर्स्ट एशियन गेम्स जो है उसमें 11 देश भाग लिया था, ठीक, उस 11 इसका मेन वेन्यू जो है सो था नेशनल स्टेडियम, जो दिल्ली में नेशनल स्टेडियम जो है जिसका अब नाम जो है सो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है सो हो गया है। उस समय उसका नाम जो है सो 1951 में इसका नाम जो था इरविन एम्फी थिएटर था, 1951 में इसका नेशनल स्टेडियम का नाम जो है सो इरविन एम्फी थिएटर था। इरविन वही जो था जो 1926 से 1991 तक 1926 से 1951 तक जो है सो वायसराय इंडिया का जो है सो वायसराय था, तो उसी के नाम पर जो है सो इरविन एम्फी थिएटर रखा गया था, जिसका नाम बाद में नेशनल स्टेडियम हुआ और अभी उसका नाम जो है सो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हो चुका है, ठीक है। तो यहां तक जो है सो हम लोग हिस्ट्री जो है सो उसका देखे हैं। मसाल जो जलाए थे वो दलीफ सिंह, ठीक है, मसाल जलाए थे फर्स्ट एशियन गेम्स का जो है सो दलीप सिंह जलाए थे। उस फर्स्ट एशियन गेम्स में जो है सो जापान फर्स्ट पोजीशन पर रहा था और वह जो है 24 गोल्ड सहित 60 मेडल जीता था। इंडिया जो है
सो सेकेंड पोजिशन पर रहा था, 15 गोल्ड सहित जो है सो 51 मेडल जो है सो इंडिया उस समय जीता था, यानी सेकेंड पोजिशन पर इंडिया रहा था। इससे संबंधित थोड़ा सा और कुछ कुछ ये क्वेश्चन है। पहला भारतीय स्वर्ण जीतने वाला जो था सो सचिन नाग था, ठीक है, वह मेंस का 100 मीटर स्विमिंग में जो है सो ये जीता था, ठीक है। उसके बाद जो है सो पहली भारतीय महिला स्वर्ण कमलजीत सिंधु जीती थी, पहली भारतीय महिला एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली कमलजीत सिंधु 400 मीटर रेस में 1970 जो सिक्स एशियन गेम्स बैंकॉक में हुआ था उसमें जो है सो जीती थी, और इसी सिक्स एशियन गेम्स बैंकॉक से ही जो है सो इसका टीवी पर प्रसारण भी जो है सो शुरू हुआ था, ठीक है। और नौकायान जो है सो इसी माने सिक्स से जो है में ही जो है सो नौकायान को भी शामिल किया गया था, ठीक है। एशियन गेम्स का जो है सो पहला स्वर्ण न्यू छी कॉक जो है सो स्विमर थी, स्विमिंग में जीती, वह जो है सो सिंगापुर की थी, और स्विमिंग के सभी जो उस समय चार स्वर्ण उस पर रखा हुआ था चारों स्वर्ण जो है सो वह जीती थी, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और 400x400 मीटर का जो है सो सारे स्वर्ण जो है सो उस समय 1951 का जो है सो फर्स्ट एशियन गेम्स में जीती थी, ठीक है। उसके बाद जो है सो और इसमें संबंधित है 1994 में हिरोशिमा में जो है सो 12वीं एशियन गेम जो हुआ उस वह पहली बार राजधानी से बाहर हुआ, उससे पहले जो भी होता था वह हर देश का जिस देश में होता था उसके राजधानी में होता था, तो ये हिरोशिमा पर जो है पर जो हुआ वह बाहर हुआ यानी राजधानी से बाहर हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है सो एशियन गेम्स का जो है सो मेजबानी किया हुआ है कौन, थाईलैंड जो बैंकॉक उसकी राजधानी हुआ, 4 बार किया है, कौन कौन सा, 1966 पांचवा एशियन गेम, 1970 सिक्स्थ एशियन गेम, 1978 एट्थ एंड 1998 थर्टींथ एशियन गेम्स का जो है सो वह मेजबानी कर चुका है, और सभी बार वहां का जो राजा है राजा जो है सो भूमि बोल अदुल या देज जो है सो किया, चारों एशियन गेम्स का जो है सो उद्घाटन वहां का महाराजा जो है भूमि बोल अदुल या देज जो है सो हर बार किया, ठीक है। ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण सब था। उसके बाद जो है सो नाइन्थ एशियन गेम्स 1982 जो भारत में हुआ उसका उद्घाटन उस समय का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो है सो किए, ठीक है। और 1982 से ही जो है सो शुभंकर यानी मैस्कॉट का शुरुआत हुआ, जो भारत से ही शुरू हुआ वह अप्पू था यानी बच्चा, किड ऑफ एलिफेंट्स अप्पू जो है सो, अब हर बार शुभंकर का ये होता है तो वो शुभंकर का शुरुआत जो है 1982 से ही हुआ, जो किड ऑफ एलिफेंट्स जिसको अप्पू नाम दिया गया था, ठीक है। अप्पू वह 1982 से ही जो है सो शुरुआत हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है सो नाइन्थ एशियन गेम्स जो 1982 में हुआ वह फर्स्ट बार इसमें क्या क्या शामिल, बहुत सारा खेल को 1982 में शामिल किया गया था, घुड़सवारी था, गोल्फ था, हैंडबॉल था, रॉइंग था एंड ओमेन्स हॉकी को जो है सो पहला बार जो है सो शामिल किया। उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम का जो है सो दूरदर्शन पर पूरे देश में जो है सो प्रसारण किया गया, ठीक है। इस बार जो है 1982 में ही चाइना जो है सो फर्स्ट रैंकर बना, और तब से वह फर्स्ट रैंक पर कंटिन्यू है, उससे पहले फर्स्ट रैंकर जापान हुआ करता था। देखिए कितना खेल में जापान आ गया है, उसको जो है सो 1945 में उस पर जो एटम बम गिरा दिया गया, पूरा वह विनाश हो चुका था, उसके बाद भी 1951 में ये भाग लेता है और फर्स्ट पोजीशन पर रहता है, और वह कंटिन्यू कब तक, 1982 से पहले तक जो है सो फर्स्ट पोजीशन पर रहा, और उसके बाद 1982 से जो है सो फिर चाइना जो है सो उसमें आगे होने लगा, उसके बाद सेकंड पोजीशन वगैरह पर ये आ गया, ठीक है। चाइना जो है सो 1974 के 7वें एशियन गेम्स से जो है सो भाग लेना शुरू किया, जो तेहरान में जो है माने ईरान का राजधानी तेहरान में हुआ था, 1974 से चाइना जो है सो भाग लेना शुरू किया। पाकिस्तान जो है सो 1954 मनीला
फिलीपींस की राजधानी मनीला है, तो वहां जो हुआ था सेकेंड एशियन गेम्स से जो है सो पाकिस्तान शामिल हुआ। ठीक है, सात कंट्री जो है जो सभी अभी तक का जितना एशियन गेम हुआ है 18, वो 18 में जो है सो भाग लिया। ये सात कंट्री कौन सा है, तो ये जो सभी में लिया है ये भाग लेने वाला इंडिया है, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान एंड फिलीपींस, ये सात कंट्री जो है सो सभी एशियन गेम्स में भाग लिया। ठीक है, 2018 में पुरुष कबड्डी गोल्ड जो है सो गोल्ड से वंचित रहा। जैसे आपको हम बताए थे ओलंपिक में 1928 से लेकर लगातार जो है सो 6-7 बार जो है सो भारत गोल्ड जीतता आया था हॉकी में, उसी ढंग से एशियन गेम्स में भारत इंडिया जो है सो लगातार गोल्ड जीतते रहा था, लगातार 7 बार जो है सो गोल्ड जीता। केवल 1992 में वह शामिल हुआ और 2014 तक का जो है सो में ये गोल्ड जीतता रहा, 2018 में केवल वह जो है सो गोल्ड से वंचित रह गया। ठीक है, उसके बाद जो है सो 1990 का जो बीजिंग एशियन गेम्स था उसमें भारत का सबसे खराब प्रदर्शन, मात्र एक गोल्ड जो है सो वह भारत जीत पाया और वह भी कबड्डी से ही आया था। ठीक है, और अभी तक का जो 18 गेम्स हुआ है तो एशिया मैंने एशियन गेम्स में भारत हमेशा 10 के अंदर रहा, मगर वही 1990 जो है उसमें जो है सो वह 11वें पोजीशन पर यानी 10 रैंक से भी बाहर हो गया था, केवल एक ही गोल्ड जीत पाया था। तो ये बहुत ही खराब स्थिति उस समय का जो है सो था। ठीक है, अब बहुत सारा सुधार हुआ, 18 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हालांकि कबड्डी में जैसे हॉकी में आप कितना भी मेडल ले आइए और हॉकी में नहीं आया तो मजा ही नहीं आता, उसी ढंग से एशियन गेम्स में जो है सो कबड्डी का है, यदि कबड्डी में नहीं आया तो आप तो कबड्डी में ब्रॉन्ज जो है सो मतलब पुरुष टीम ब्रॉन्ज ले पाया था और महिला टीम भी फाइनल में हार गई थी तो वह सिल्वर 18 में जो है सो ली थी। ठीक है, फिर भी 1869 मेडल के साथ जो है सो बहुत अच्छा, अभी तक का सबसे अच्छा जो है सो 18 का ही ये रहा था, प्रदर्शन जो है सो रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है सो 11वें से 17वें एशियन गेम्स में लगातार 7 बार जो है सो पुरुष कबड्डी टीम गोल्ड जीता। महिला कबड्डी 2010 में शामिल हुआ, 2010 और 2014 में महिला कबड्डी टीम गोल्ड जीती। ठीक है, मगर 2018 में जो है सो वह सिल्वर जीती। ठीक है, 1986 में जो है सो 5 गोल्ड आया जिसमें 4 गोल्ड केवल पीटी उषा जीती थी, इसीलिए पीटी उषा को जो है सो उड़न पड़ी कहा जाता है और इतना बड़ा खिलाड़ी, तो 1986 में जो है सो 5 गोल्ड में 4 गोल्ड केवल पीटी उषा जीती थी। ठीक है, 2022 में जो है सो 19वां एशियन गेम्स जो होगा वह चीन के शहर माने 3 जगह होगा, इससे पहले जो है सो 1962 में जो है सो 2 शहर में हो चुका है। ठीक है, और ये जो है सो चीन का 3 शहर में होगा, पहला बीजिंग रहेगा, दूसरा जो है ग्वांगझू रहेगा और तीसरा हांगझो में होगा, ये 3 जगह एक देश का, नहीं तो पहले केवल राजधानी में हुआ करता था। ठीक है, इंडोनेशिया के सॉरी 1962 के इंडोनेशिया के जकार्ता एवं प्लेमबांग में जो है सो हो चुका है। ठीक है, इस ढंग से 18वें एशियन गेम्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। 18वें एशियन गेम्स जो 18 अगस्त 2018 से 25 सितंबर 2018 तक हुआ था। ठीक है, पहली बार 2 शहरों में आयोजित हुआ। ठीक है, इसका मोटो था इनर्जी ऑफ एशिया, 18वें जो है सो एशिया गेम का जो है मोटो क्या था, इनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या था, 40 खेल था, 265 स्पर्धा, उद्घाटन जो इसका किया राष्ट्रपति जोको विडोडो। ठीक है, मेन वेन्यू था गोलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम, परेड में सबसे आगे अफगानिस्तान था और सबसे पीछे जो है सो इंडोनेशिया, ये होता है जो देश मेजबान होता है वह सबसे पीछे परेड में भाग लेता है और जो ये होता है अफगानिस्तान, इसमें 18वें एशिया गेम्स में जो है सो परेड में सबसे आगे था। ठीक है, भारत का जो है सो उद्घाटन ध्वजवाहक जो था सो नीरज चोपड़ा, यानी नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में भाला फेंक में
जेवलिन थ्रो में जो है सो गोल्ड जीता, वही नीरज चोपड़ा जो है सो उद्घाटन में ध्वजवाहक था और समापन में रानी रामपाल जो हॉकी की महिला हॉकी टीम की कप्तान है वह जो है सो थी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है सो एथलीट्स जो है 11,646 एथलीट्स भाग लिया था। शपथ जो एथलीट को दिलाया था सो आरकी धिकानी विन सुनू जो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है वह दिलाया था। शपथ सभी एथलीट्स को जो दिया था आरकी धिकानी विष्णु। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है सो इस बार जो है सो वो 2018 का जो है सो एशियन गेम्स था, इसमें भारत का सबसे बड़ा टीम गया था। ठीक है, 572 खिलाड़ी जो 36 खेल में भाग लिया 48वीं एशियन गेम्स में। आधिकारिक गीत जो इसका था इनर्जी 18 ब्राइट एज द सन, आधिकारिक गीत जो था 18वें एशियन गेम का उसमें था इनर्जी 18 ब्राइट एज द सन। समापन जो है सो वहां का उपराष्ट्रपति जो है सो किया जूसुफ कल्ला। ठीक है, उद्घाटन किया था राष्ट्रपति और समापन जो है सो जूसुफ कल्ला के द्वारा किया गया। ठीक है, शुभंकर जो है शुभंकर बताए थे जो कि 1982 से जो है सो शुरू हुआ, उस समय अप्पू था शुभंकर यानी किड ऑफ एलिफेंट। इसमें तीन चीज जोड़ा गया था शुभंकर इसका जो था भिन्न भिन्न काका तथा अतुन यानी एक पक्षी है एक जो है सो गैंडा का ये है तो क्या है अतुन जो है ववियन हिरन जो गति का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद काका जो है एक सिंह वाला गैंडा है जो ताकत का प्रतीक है और भिन्न भिन्न एक पक्षी है जो रणनीति का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद जो है सो देखते हैं जो 2018 का जो है सो गेम्स जो हुआ उसमें माने कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर रहा और भारत का क्या स्थिति रहा। तो फर्स्ट रैंक पर जो है सो चाइना रहा गोल्ड 132 92 सिल्वर 65 ब्रॉन्ज के साथ 289 टोटल मेडल वह जीता। उसके बाद सेकंड पर जापान था जो 75 गोल्ड 56 सिल्वर 74 ब्रॉन्ज के साथ 205 मेडल जीता। उसके बाद थर्ड पर जो है सो साउथ कोरिया था जो 49 गोल्ड 58 सिल्वर 70 ब्रॉन्ज के साथ 177 टोटल मेडल जो है सो जीता। उसके बाद फोर्थ पर इंडोनेशिया था 31 गोल्ड 24 सिल्वर 43 ब्रॉन्ज यानी टोटल 98 मेडल के साथ फोर्थ पर। और भारत का स्थान जो है ये जो है सो 18वां एशियन गेम इसमें भारत का जो है सो अभी तक का प्रदर्शन में सबसे अच्छा, हालांकि रैंक में नीचे आया 8th आया मगर मेडल के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है सो रहा। इसका रैंक इस बार 8th था इंडिया का 15 गोल्ड 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज के साथ जो है सो 69 मेडल अभी तक जो है मतलब क्या कहते हैं 69 टोटल मेडल जो है सो ये जीता। हाँ, तो अभी तक का जो प्रदर्शन रहा उसमें सबसे अच्छा जो है सो उसको माना जा सकता है। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा और 18 के बारे में कुछ और विश्लेषण हम बाद में करते हैं, मगर अभी तक का जो है सो एशियन गेम्स में भारत का 1951 से लेकर 2018 तक में क्या स्थिति रही, किस किस बार वह गेम जो है सो मतलब कहाँ हुआ किस ईस्वी में हुआ। ठीक है, उसमें जो है सो भारत का क्या क्या मना रहा है मेडल में स्थिति, कौन सा रैंक रहा है किस ईस्वी में कौन सा रैंक रहा है और कितना मेडल आया है उसको जो है सो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है सो 1951 नई दिल्ली भारत में हुआ जिसमें सेकंड फर्स्ट पर जापान था सेकंड पर जो है सो इंडिया था 15 गोल्ड 16 सिल्वर 20 ब्रॉन्ज के साथ 51 टोटल मेडल वह जीता था। उसके बाद सेकेंड 1954 में हुआ मनीला फिलीपींस में उसमें 5th पोजीशन था। ठीक है, 5 गोल्ड 4 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज के साथ 17 टोटल मेडल जीता। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है 1958 में टोक्यो जापान में हुआ उसमें 7th रैंक रहा 5 गोल्ड 4 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज टोटल 13 मेडल जीता। उसके बाद फोर्थ जो है 1962 जकार्ता इंडोनेशिया यहां जो है सो थर्ड पोजीशन पर आया था 10 गोल्ड 13 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 33 मेडल जीता था। उसके बाद जो है सो फिफ्थ जो है 1966 बैंकॉक थाईलैंड में 5th पोजीशन पर रहा 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 40 मेडल जीता था। फिर
सिक्स्थ जो है हुआ 1970, वह बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में हुआ था, उस समय भी फिफ्थ ही पोजीशन पर आया था। इस समय गोल्ड का संख्या 25 था। सिक्स्थ एशियन गेम 1970 वह भी बैंकॉक के राजधानी थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में हुआ, उसमें भी जो है सो रैंक फिफ्थ रहा, 25 गोल्ड 12 सिल्वर 12 ब्रॉन्ज के साथ टोटल ये जो है सो सिक्स्थ में जो है फिफ्थ पोजीशन रहा था, 25 गोल्ड 6 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज टोटल 40 जो है सो मेडल जीता था, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ जो है 1974 तेहरान, इसी से जो है सो चाइना जो है सो इसी में शामिल हुआ था, ईरान के राजधानी तेहरान में हुआ था, जिसमें 4 गोल्ड 12 सिल्वर 12 ब्रॉन्ज यानी टोटल 28 मेडल जीता था। उसके बाद 1978 फिर बैंकॉक में हुआ जो थाईलैंड का राजधानी है, इसमें 6th पोजीशन रहा, 11 गोल्ड 11 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज टोटल 28 जो है सो मेडल के साथ। उसके बाद जो है सो 9th एशियन गेम जो है सो 1982 ये नई दिल्ली इंडिया में हुआ, इसमें जो है सो भारत का 5th पोजीशन रहा, 13 गोल्ड 19 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 57 जो है सो ये मेडल जीता था। उसके बाद 10th जो है सो 1986 सियोल, दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल में जो है यहाँ भी 5th पोजीशन रहा, 5 गोल्ड 9 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज 30 जो है सो यहाँ टोटल मेडल ये आया था। उसके बाद जो है सो 10th हो गया, 11th जो है 1990 बीजिंग चीन, यहाँ 10 से बाहर हो गया यानी 11वां पोजीशन, सबसे खराब अभी तक का जो है स्थिति जो रहा है सो बीजिंग ओलंपिक ये एशिया गेम में ही भारत का रहा, केवल 1 गोल्ड 8 जो है सो सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ जो है सो 23 टोटल मेडल जीता था, ठीक है। उसके बाद जो है सो 12th जो 1994 में हुआ हिरोशिमा जापान में, यहाँ 8th पोजीशन रहा था, यहाँ 4 गोल्ड 11 सिल्वर और 17 जो है सो ब्रॉन्ज के साथ ये 36 मेडल जो है सो जीता था टोटल। उसके बाद 14th 2002 में, ठीक है, ये वुसान में हुआ, 13th 1998 ये भी बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, यहाँ 9th पोजीशन आया था, 7 गोल्ड 11 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 36 जो है सो मेडल जीता था। उसके बाद जो है सो 14 2002 में बुसान में हुआ, दक्षिण कोरिया का जो है सो राजधानी, 7th पोजीशन रहा, 11 गोल्ड 12 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज के साथ 53 मेडल जो है सो जीता था। उसके बाद जो है सो 15 2006 दोहा कतर में जो है सो यहाँ 8th पोजीशन रहा, 10 गोल्ड 17 सिल्वर 26 जो है सो ब्रॉन्ज के साथ 53 टोटल मेडल आया था। उसके बाद जो है सो ये 16th जो है 2010 में ये जो है ग्वांगझू चीन में हुआ था, 8th पोजीशन रहा था, इसमें 14 जो है सो गोल्ड 17 सिल्वर 34 ब्रॉन्ज, यहाँ भी प्रदर्शन अच्छा रहा था, ठीक है, 65 टोटल मेडल जीता था, मगर गोल्ड का संख्या थोड़ा कम था इसके चलते रैंक थोड़ा नीचे था। 17th जो हुआ 2014 में इचिनोक्त जापान, ये 8th जो है सो रैंक इसमें भी था, 11 गोल्ड 10 सिल्वर 36 ब्रॉन्ज टोटल 57 जो है सो मेडल आया। और 18th गेम जो 2018 में हुआ जकार्ता इंडोनेशिया का राजधानी, इसमें जो है सो 15 गोल्ड 24 सिल्वर 30 जो है सो ब्रॉन्ज टोटल 69 जो है सो इसमें ये आया। तो ये सबसे अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है अभी तक भारत का जो है एशिया में, 154 गोल्ड है टोटल गोल्ड का संख्या एशिया एशियन गेम्स में भारत के पास कितना है 154, सिल्वर जो है सो 202 है, ब्रॉन्ज 315 है, टोटल मेडल एशियन गेम्स में भारत का 671 अभी तक जो है सो आया हुआ है। यानी अब फिर 2022 में जो होगा अगला वह चीन का जो है सो बतावे किए जो वह 3 शहर में होगा, बीजिंग में होगा,
ग्वांगझो में होगा और हांगझो में होगा, ठीक है। तो फिर देखिए कैसा प्रदर्शन, जिस ढंग से इस बार जो है सो ओलंपिक में प्रदर्शन हुआ है, पारा ओलंपिक में प्रदर्शन हुआ है, तो आशा करते हैं जो कि आगे और जो अभी वर्तमान सरकार है वह भी काफ़ी ज़्यादा खेल पर ध्यान दे रही है। हाँ, खेलो इंडिया वगैरह प्रोग्राम लाई है, तो जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो है सो उधर जो है उड़ीसा का मुख्यमंत्री भी ध्यान दिया वो जो हॉकी वगैरह को गोद लेकर। उसके बाद जो है सो गुजरात में बहुत सारा स्टेडियम वगैरह बना है, जिससे आशा है जो कि 22 में जो एशियन गेम्स में जो है सो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा और हम जो है सो अंडर 5 रैंक वगैरह में जो है सो आएंगे, इतनी ये आशा करते हैं। अब देखते हैं कुछ जो है सो 2018 से संबंधित जो है सो कुछ क्वेश्चन जो आ सकता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखें। तो 2018 के एशियन गेम्स में फर्स्ट मेडल जो है आया भारत का, वह लाए अपूर्वा चंदेला एवं रवि कुमार, वह ब्रॉन्ज लाया था 10 मीटर का जो है सो एयर पिस्टल, माने मिक्स्ड इवेंट माने महिला पुरुष दोनों मिलकर जो होता है, तो उसमें पहला जो है सो 65 पहला गोल्ड जो लाया वह बजरंग पुनिया 65 केजी, बजरंग पुनिया जो इस बार भी जो है सो ये ओलंपिक में भी मेडल लाया वही बजरंग पुनिया है। उसके बाद सेकंड गोल्ड जो लाया विनेश फोगाट, वह इस बार आगे नहीं बढ़ पाई, हाँ मगर बहुत अच्छा जो है सो वही फोगाट परिवार का है, हाँ। और थर्ड जो है सो सौरभ चौधरी जो 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है सो ये गोल्ड लाया था, ठीक है। इस बार जो है सो एथलेटिक्स से 7 गोल्ड 10 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, टोटल 19 पदक सबसे ज्यादा एथलेटिक्स से आया था। उसके बाद शूटिंग से जो है सो 9 पदक आया था, रेसलिंग से 3 आया था, ठीक है। तो 2018 जो है सो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कहा जाएगा अभी तक का एशियन गेम्स में भारत का जो है सो प्रदर्शन जो रहा है सो सबसे अच्छा वही रहा है। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीज सब जो है, इसमें सबसे कम उम्र का जो है सो पदक विजेता जो है सो 15 वर्षीय शार्दुल विधान जो है सो पुरुषों के डबल ट्रैप स्पर्धा में सिल्वर जीता था, ठीक है। उसके बाद सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाला सौरभ चौधरी जो बता ही दिए, ठीक है। सबसे ज्यादा उम्र में पदक जीतने वाला भारत का जो है सो 60 वर्षीय जो है 60 वर्ष का प्रणव वर्धन एवं 56 60 वर्षीय प्रणव वर्धन एवं 56 वर्षीय जो है शिवनाथ ने ये टीम माने ब्रिज में जो है सो 15वां स्वर्ण दिलाया था। उसके बाद शाही शरणोबत जो है सो भारत के लिए 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स में पहला गोल्ड, शूटिंग में व्यक्तिगत स्वर्ण में जीता था। टेबल टेनिस में भारत के टीम स्पर्धा और मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में पहली बार कांस्य पदक मिला, ठीक है, ये भी याद करने लायक है, ठीक है। उसके बाद हेप्टा थलान में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय स्वप्ना बर्मन है, कारण ये विदेशी खेल है, बाहर में होता है, मगर इसमें भी जो है सो ये स्वर्ण जीती थी स्वप्ना वर्मन। भारतीय पुरुष कबड्डी जो है सो पहले भी बताया, इस बार पहली बार जो है सो गोल्ड नहीं जीत पाए वो ब्रॉन्ज, और भारतीय महिला कबड्डी जो है सो सिल्वर जीती। 11वें दिन ट्रिपल जंप में गोल्ड जीतने वाला जो है सो अमरिंदर सिंह पंजाब का था, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स MVP जो दिया जाता है वह रिकाको इकी को दिया गया, ठीक है। 67 साल के इतिहास में पहली महिला ऐसी हुई क्योंकि 6 गोल्ड और 2 सिल्वर यानी टोटल 8 मेडल जीती, ठीक है। इतने दिन के एशियन गेम्स के इतिहास में जो है सो ये पहली महिला है जो 6 गोल्ड और 2 सिल्वर यानी टोटल 8 मेडल्स जो है सो अकेले ही जीत लिए। उसके बाद 18वें एशियन खेल में जो है सो भारत के लिए गोल्ड कौन कौन लिया, तो उतना तो देखा पूछ सकता है कहीं, तो थोड़ा सा ध्यान पर रखना है। तो बजरंग पुनिया जो है सो कुश्ती 65 केजी में गोल्ड लिया, उसके बाद विनेश फोगाट जो है कुश्ती वह 50 केजी महिला का जो है उसमें गोल्ड लिया, सौरभ चौधरी जो है सो निशानेबाज है 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है सो गोल्ड लिया, उसके बाद राही सरनोवाल वह भी निशानेबाज है, हाँ वह भी जो है सो गोल्ड लिया। उसके बाद स्वर्ण सिंह दत्तू बावन भोगावन ओम प्रकाश एवं सुरमित जो है सो रोइंग का जो है सो ये टीम इवेंट्स में गोल्ड लिया। उसके बाद रोहन बोपन्ना एवं दिविज शरण जो है लॉन टेनिस पुरुष युगल में
गोल्ड लिया। ठीक है, तेजिंदर पाल सिंह तूर वो जो है सो गोला फेंक में जो है सो गोल्ड लिया। उसके बाद नीरज चोपड़ा तो जानते हैं जैवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक में जो है सो वह गोल्ड लिया था। उसके बाद मंजीत सिंह जो है सो पुरुष 800 मीटर दौड़ में गोल्ड लिया। अरविंदर सिंह जो है सो पुरुष त्रिकूद में जो है सो गोल्ड लिया। उसके बाद स्वप्ना वर्मन जो है सो महिला हेप्टाथ्लॉन में गोल्ड लिया। उसके बाद जिनसन जॉनसन पुरुष 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड लिया। एम आर पुवाम्बिया सरिता वेन गायकवाड़ हिमा दास एवं बिस्माया जो है सो एथलेटिक्स के 400 मीटर दौड़ में जो है सो गोल्ड लिया। उसके बाद अभी अमित पंघल मुक्केबाजी 59 केजी में जो है सो गोल्ड लिया। और प्रणव वर्धन एवं शिवनाथ सरकार जो है सो ब्रिज में गोल्ड लिया। इतने आदमी जो है सो गोल्ड लिया। तो हमको लगता है जो कि एशियन गेम्स से संबंधित जो भारत से संबंधित है और कुछ हिस्टोरिकल भी जो बात है तो जितना बता दिए हैं केवल इसको आप लोग 3-4 बार सुन लेते हैं और यदि कुछ महत्वपूर्ण लगे तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा स्लो करके जो है सो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ये नहीं भी दिखेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके जो है सो नोट कर ले सकते हैं। तो कोई भी ये नहीं लगता है जो कि क्वेश्चन छूटना चाहिए। अब उसके बाद जो है सो फिर जो है सो कॉमनवेल्थ गेम का जो है सो हम लोग देखेंगे। इसी के साथ जो है सो हम समापन करते हैं। जय हिंद, फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे।